हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। वन मोर क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 तो देख लेना बेटा। 17 मैंने प्रूफ बताया, एक्सरसाइज 5.4 का वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला बेटा, ए एंड बी दो पॉइंट दिया, टू आर पॉइंट्स, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन पॉइंट ए। ठीक है, वेरी सिंपल बेटा। सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है वो देख लेना। इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते, ये बी पॉइंट है बेटा अपने पास 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन मतलब 0, 0 तीनों भी, और पॉइंट ए अपने पास 1, 2, 3 दे के रखा। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहले देखो बेटा, एम की वैल्यू तो आपको पता लगी, तो ओ एम करते, ओ एम मतलब पोजिशन वेक्टर, एम माइनस, तो एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। इसको अपन डायरेक्शन रेशियो बोल सकते बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM, OM का मतलब M माइनस O, तो कितना आया बेटा अपने पास, X, Y, Z आ गया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA करना है बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OA, OA मतलब ही वही है बेटा, A माइनस O ओरिजिन, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0। क्या आता है बेटा पॉइंट देख लेना, 1, 2, 3, 3 पॉइंट निकल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा अपने को, O कामा M कामा A आर पैरेलल बोल सकते हैं, कोलिनियर बोल रहे। कोलिनियर का फॉर्मूला पता है ना, X अपॉन 1, Y अपॉन 2, Z अपॉन 3, लेट K मान लेते इसको। तो X इज इक्वल क्या बेटा, 1K, Y इज इक्वल टू 2K और Z इज इक्वल टू 3K। ठीक है, दूसरी बात क्या बेटा, OB का पोजीशन वेक्टर कितना आता बेटा, 4, 5, 6 है, ओ बी बी बोले तो अपन को क्या लेना बेटा, ओ ए का पोजीशन वेक्टर तो निकल गया। अब करना क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर किसके साथ करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी एम पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी एम, रेशियो ऑफ बी एम, एम ओ ए और ओ बी का माइनस करना, ओ बी माइनस ओ ए, के माइनस कौन है बेटा अपने पास 4, उसके बाद दूसरा कौन है 2K-5, उसके बाद 3K- कितना है बेटा 6 काम है। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी में क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर टू, कौन परपेंडिकुलर है बेटा, बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ओके, वेरी सिंपल। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताया, A1A2+B1B2+C1C2 इज इक्वल टू क्या था बेटा, 0। ये कौन है बेटा अपना, A1 B1 C1, तो ओ ए मतलब कौन है बेटा, यहाँ पे A2 B2 और C2, इससे क्या निकलती, K की वैल्यू निकलती, K-4 × 1, उसके बाद 2K-5 × 2, उसके बाद 3K-6 × 3 इज इक्वल टू कितना बेटा, 0 निकल गया। K-4, 4K, 5×2 = 10 और 3×3 = 9K, 6×3 = 18 इज इक्वल टू 0। 4 और 9 कितना बेटा 13, 13 प्लस 1 कितना 14, और उसके बाद एक बेटा माइनस 18 और 4 कितना आ जाता, माइनस 18 और 4, ध्यान से देख लेना, ये माइनस 14, माइनस 14 और माइनस 18, माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो 14K इज इक्वल कितना बेटा प्लस 32, K की वैल्यू क्या आती है बेटा 32/14। ठीक है, तो मतलब 16/7 कितना आता बेटा, 7। हम आज बेटा K की वैल्यू 16/7, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब इन बंदों को क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना, तो अपना आंसर निकल जाता है फाइंड में, M के साथ मल्टीप्लाई, K की वैल्यू निकल गई बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M पॉइंट, क्या बेटा M का पॉइंट कितना है अपने पास देख लो, M बोले तो K+2K+3K। ठीक है, तो K देखो, ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो जाओ, 18 और 4 कितना बेटा अपने पास, 18 माइनस कितना आ जाता 28 माइनस 4 32 बराबर ही है, कोई इशू नहीं। तो देख लो बेटा यहाँ पे कौन है, K की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 16/7 और 2K मतलब कितना बेटा 2×16/7, उसके बाद तीसरा क्या बेटा अपने को 3K बोले तो 3×16/7, पूरे के पूरे प्लस में आ रहे बेटा, M इंटू कितना आता 16/7, 32/7, उसके बाद 48/7, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये होगा बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट।
ध्यान से कर लेना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है।